हाथ से सिंदूर तेल गिरना अशुभ। नंबर एक, सिंदूर को विवाहित महिलाओं के सुहाग की निशानी माना जाता है। ऐसे में सिंदूर का गिरना एक अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर दानी अचानक से हाथ से छूट जाए और जमीन में गिर जाए तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नंबर दो, वहीं पूजा के दौरान सिंदूर गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यह संकेत बताता है कि अशुभ समाचार जल्द मिलने वाला है। नंबर तीन, हाथों से चावल सहित अन्य अनाज का गिरना माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। चावल गिरना भी एक अशुभ संकेत होता है। कहते हैं चावल का गिरना बेहद ही अशुभ होता है। नंबर चार, शास्त्रों के अनुसार हाथों से तेल से भरा बर्तन गिरना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि तेल से भरा बर्तन गिरने का मतलब है कि भविष्य में परिवार के ऊपर कोई न कोई संकट आने वाला है। नंबर पाँच, हाथों से पूजा का दीपक थाली या अन्य सामान गिरना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि हाथों से दीपक या थाली गिरने का मतलब है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हुई है। नंबर छः, अगर काम करते समय अचानक नमक गिरना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शुक्र और चंद्रमा ग्रह से है। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।